आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही थी जी। और जैसे कि हमारा अपना जो प्रोसेस है हमेशा से ये रहा है कि भाई अल्टीमेट खूब प्रैक्टिस क्लास के अंदर ही करना, मतलब नो होमवर्क। तो बेटे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर क्लास में कराना चाहता हूँ, ठीक है? आइए मेरे साथ साथ में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लीजिए पहले मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज कर दूं आपके हिसाब से, और लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहले जरा एक बार चेक कर लो फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। बेटे हमने एक लिस्ट बनाई थी, कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये हम लोग अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन जरूर हम लोगों को करना है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, जिसमें सारे कमीशन एक साथ निकल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो क्वेश्चन हमें करने हैं, चाहे हमें अगली क्लास भी इस पे लगानी पड़े, चाहे हमें अगली क्लास भी इस पे लगानी पड़े। मुझे बताया कि बाकी बच्चे एडमिशन लेने के भी इंतजार में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें सिर्फ यही है कि नए बच्चों के चक्कर में हम पुराने बच्चों के साथ में जल्दबाजी करें, जी नहीं। अगर हमें कल की भी क्लास लगानी पड़ी तो मैं कल की भी क्लास लगाऊंगा, और यही कमिटमेंट हमारा आगे वाले बच्चों से भी होगा, जो जो हम काम कर रहे हैं कि भाई ताकि ना पूरा अच्छे से काम हो पाए। एनीवेज तो आइए बेटे पहले मैं जरा आपको लेके चलता हूँ फटाफट से कहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 करना है एक तो हमें, और फिर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। एक तो है बेटे क्वेश्चन नंबर 9, तो करें आज थोड़ा सा स्पीड फास्ट करते हैं, है ना? चलिए मैं स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। आइए जी, लो जी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए बेटे मेरे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 9, श्री मेहता ऑफ बॉम्बे कंसाइंस 1000, कितने बेटे 1000 ऑफ गुड्स। बेटे क्वांटिटी है 1000, 1000 क्या है, क्वांटिटी है। अच्छा जो बच्चे नए हैं मेरी रिक्वेस्ट है बेटे, हो सकता है क्या होगा ये उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा वेट कर लेना, आज की और लगभग कल तक हमारे शुरू हो ही जाएगा नया चैप्टर, वहां से उनको समझ में आना शुरू होगा। श्री मेहता है मुंबई के, उन्होंने क्या किया 1000 क्वांटिटी भेजी, गुड्स क्वांटिटी भेजी 1000, कितने की कॉस्ट है जी 100 ईच की है, मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल 1,00,000 रुपए का माल भेजा, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट का माल भेजा। किसको भेजा? श्री सुंदरम ऑफ मद्रास, मद्रास के कोई मिस्टर सुंदरम है, आओ जी मद्रास के कोई मिस्टर सुंदरम है, उनको भेजा। श्री मेहता ने क्या किया, ये खर्चे पे किए, कौन कौन से कंसाइनमेंट के रेस्पेक्ट में, एक तो बेटे कैरिज, फ्रेट, लोडिंग, ये तीनों खर्चे पे किए। मैं कह सकता हूँ ये डायरेक्ट एक्सपेंस है यानी कि वेरिएबल खर्चे हैं, और ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। श्री सुंदरम कौन था जी, कंसाइनर था कि कंसाइनी था, कंसाइनी था। उसने क्या किया जी, उसने जी ये वाले खर्चे किए और 700 केसेस उसने बेच दिए, कितनी क्वांटिटी बेच दी बोलो बेटे 700। बेटे 1000 में से 700 बेच देने का मतलब क्या है, 300 का बच जाना, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है बेटा 300 बचेंगे, ठीक है। 140 रुपए पर केस के हिसाब से बेचे, क्या आपको पूरा तरह से क्लियरली विजिबल है बेटे? किसी बच्चे को स्क्रीन पे कोई दिखने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताएं, ओके है तो गिव मी थम्स अप, और नहीं है तो मैं बता देना, मैं चूज कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, ओके है बेटा। श्री सुंदरम ने क्या क्या खर्चे किए, क्लियरिंग के खर्चे किए। सबसे पहली बात, क्लियरिंग के खर्चे का मतलब आप समझते हैं, क्लियरिंग के खर्चे का मतलब है बॉर्डर क्रॉस किया होगा, उसको बॉर्डर क्लियर करा करके वो गोडाउन में लेके आया होगा, कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचा होगा, ठीक है जी। अब अगली बात, नेक्स्ट बेटे वेयर हाउस के स्टोरेज के खर्चे, पैकिंग के, सेलिंग के एक्सपेंसेस। इट इज फाउंड, ये पता चला कि हम तो सोच रहे थे कि 300 बच जाएंगे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पर 50 केस तो जो है ना रास्ते में खो गए, मतलब बेटे एबनॉर्मल लॉस, और 100 केस ऐसे थे जो अभी भी रास्ते में थे। मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना, जो
रास्ते में थे 100 केसेस, क्या उनपे क्लियरिंग के खर्चे हुए होंगे? मतलब ही नहीं, उन्होंने तो बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। एक बच्चे का आंसर यस का है, मैं कहूंगा उनका आंसर गलत है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप आंसर जरूर देना, ठीक है? अगर गलत आंसर हुआ डोंट वरी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आंसर जरूर देना। बेटे नहीं हुए थे खर्चे, भाई क्लियर करा होगा तभी तो बॉर्डर बॉर्डर क्लियर करा होगा, या रेलवे स्टेशन क्लियर करा होगा, हवाई जहाज से आए होंगे तो एयरपोर्ट का वो पोर्ट क्लियर करा होगा, तभी तो जा करके वो गोडाउन में आया होगा। तो यहाँ पर कह रहा है सो तो अभी भी रास्ते में, इसका मतलब उन्होंने बॉर्डर क्लियर नहीं किया, यानी कि वो कंसाइनी के गोडाउन में नहीं पहुंचे, उन पर क्लियरिंग का खर्चा नहीं हुआ बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट, वेयर हाउस के चार्ज बेटे, स्टोरेज के चार्ज, ये सब क्या है? फिक्स है। पैकिंग और सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग वाले हैं। इट इज फाउंड दैट 50 केस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट और 100 केसेस अभी भी रास्ते में। श्री सुंदरम को कमीशन मिलना है 10% ऑन ग्रॉस सेल। आपको क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है? श्री सुंदरम का अकाउंट बनाना है, मतलब कंसाइनिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बनाना है। बेटे बहुत तेजी से क्वेश्चन करना है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये क्वेश्चन ना आता हो? ऐसा हो ही नहीं सकता इस टाइम पे, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम मेंटेन करने के लिए, ठीक है? एक डाउट आया है, जरा मैं आर्यन का एक डाउट ले लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो आर्यन। सर हमें कैसे पता कि उसने वो क्लियरिंग चार्ज नहीं दिया? क्या पता वो क्लियरिंग चार्ज देने के बाद रास्ते में? नहीं बेटा, नॉर्मली जो क्लियरिंग के चार्जेस हैं वो बेटे बॉर्डर के ही होते हैं। मतलब जैसे क्या होता है ना कि क्लियर करना, बताओ किसको क्लियर करना है? उसको एग्जाम तो क्लियर करने नहीं, उसको क्या करना है क्लियर? उसको रास्ते की जो अड़चन है क्लियर करनी है। यानी कि जैसे रेलवे से आया तो रेलवे बिल्टीज होती है बेटे, उसको दे करके वो गुड्स क्लियर करा लेते हैं दिखा करके। जैसे आप देखोगे अगर एयरपोर्ट पे होंगे तो एयरपोर्ट पे आप अपना प्रूफ दे करके कि हाँ जी हम ही लेने आए हैं माल को, उसको दिखा करके आप क्या करोगे? उसको क्लियर करा लोगे अपने वहां से। मतलब क्लियर कराने का मतलब ही होता है कि आपने गुड्स को वहां से छुड़ा लिया। छुड़ाने का मतलब होता है क्लियर कराना। ओके बेटा, आइए, डाउट ओके है आर्यन? नहीं है? ओके, अच्छा ओके 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 ठीक है बेटे, फटाफट से लिखो इन द अच्छा आज हमारी प्रैक्टिस है बहुत तेज स्पीड से, मतलब सुपर फास्ट स्पीड से, तो हम लोग उसी स्पीड से चलेंगे, है ना? आज तो भाई हमें टाइम मेंटेन करना सीखना है। चैप्टर तो हमारा कब का खत्म हो चुका? परसों खत्म हो चुका था। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, हु इज कंसाइनर? मिस्टर मेहता, मिस्टर एस मेहता। क्या बनाना है जी हमें? हमें बनाना है जी, सबसे पहले तो बनाना है जी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है जी। अच्छा, सबसे पहले हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, और कंसाइनमेंट अकाउंट में जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो तो क्या करेंगे, ये कॉलम भी खींचेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट क्रेडिट। बाकी बच्चे भी प्लीज अगर समझने का प्रयास करें तो बेटे उनको भी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कंसाइनमेंट नहीं पढ़ा तो उसको समझ में नहीं आ सकता। लो बेटे फटाफट से एकदम स्पीड, आज तो जी बस प्रैक्टिस की, आज की क्लास प्रैक्टिस के नाम, अगली भी जरूरत पड़ी तो अगली भी लगा देंगे, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। कंसाइनमेंट में कंसाइनर है, दूसरा कौन है? कंसाइनी। बेटे कंसाइनी का नाम क्या है? श्री सुंदरम, श्री सुंदरम, श्री सुंदरम का अकाउंट। अगला पेज बेटे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी भी बनाएंगे। वाजिबा वाजिबा वाजिबा, मतलब कुछ छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? कुछ नहीं। इन द बुक्स ऑफ श्री सुंदरम, थोड़ा सा तेज चलेंगे बेटे आज, आज तो समझने का काम बिल्कुल है ही नहीं। क्या बनाना है जी? कंसाइनर का अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स,
GF, amount debit, date, particulars, GF, amount credit. लो भाई लो आगे चलो, लो भाई लो आगे चलो, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, क्या कह रहे हो सर, आपकी बहुत सुंदर राइटिंग है. नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपकी भी हो जाएगी. डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ सुंदरम. किसका अकाउंट बना रहे हैं? हम बना रहे हैं श्री मेहता का, श्री मेहता का, मेहता कंसाइनर. और यहाँ पे कौन था भाई, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता आएगा, इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता आएगा. बेटे बना रहे हैं हम क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट. डेट बेटे प्रैक्टिस करनी है आज, इसका ये मतलब नहीं हम शॉर्टकट में प्रैक्टिस करें. सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना ही प्रैक्टिस नहीं होती, क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन वाइज सोल्व करना प्रैक्टिस होती है. ये एक अलग बात है कि आपकी ज्यादा अच्छी राइटिंग होगी, आप अच्छे से लिखोगे. आइए जी, तीसरी चीज वो होगी हमारा वर्किंग नोट. आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर वन. तो जिन बच्चों ने कंसाइनमेंट नहीं भी पढ़ा वो यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं समझने के लिए. जब तक बेचारे बच्चे वो क्लास में है, जब तक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होता तब तक उनका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, वो यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं ग्राफ को देख कर भी. लो जी मैं बहुत क्विकली ग्राफ बना रहा हूँ बेटे. आइए, ये है जी कौन, ये है मिस्टर मेहता, श्री मेहता. इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने गुड्स को भेजा. किसको भेजा जी, कंसाइनर हैं जी ये, ये है कंसाइनर. इन्होंने गुड्स को भेजा, कंसाइनर मतलब गुड्स भेजने वाला, कंसाइनर मतलब भेजने वाला, कंसाइनी मतलब जिसके पास भेजा गया. यहां से एक ट्रक चला, ट्रक में इन्होंने माल लोड कर दिया. इधर बेटे सबसे पहली बात क्या है बेटे, नंबर वन गुड्स खरीदा, गुड्स को सेंड किया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. बेटे गुड्स की कॉस्ट कितने की है, कितनी क्वांटिटी थी, 1000. बेटे 1000 क्वांटिटी यहाँ पे चली और कितने की कॉस्ट की थी पता है, 100 रुपए की एक की कॉस्ट थी, यानी 1,00,000 रुपए की कॉस्ट का माल था. क्वेश्चन में कहीं भी इनवॉइस प्राइस की बात नहीं कही थी बच्चों, किसी की भी अगर गर्दन उठी हुई दिखी इसका मतलब बच्चा लिख नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे के पास फुर्सत ही नहीं होगी आज, समझ रहे हो, मुझे अपना पता चल जाएगा. हाँ अंटू बेटे कैमरा सही ढंग से करो, हाँ ये बात मैं समझ जाऊंगा तुरंत, बच्चा मजे ले रहा है. आओ जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, नंबर दूसरी बात, कंसाइनर ने जो खर्चे किए वो थे कौन कौन से बेटे, जितने भी थे कंसाइनर के खर्चे सारे के सारे वेरिएबल थे. मैं खर्चे दिखाऊं फटाफट से, इनका टोटल लिख दूं क्या, मुझे कौन सा ग्राफ पे सजाने हैं. ये देखो जी, कैरिज, फ्रेट, लोडिंग, तीनों के तीनों 1000 3000 1000 का मतलब टोटल हो गया बेटे 5000. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1000 + 3000 + 1000 टोटल मतलब कितना बेटे, 5000. बेटे ग्राफ मतलब वर्किंग नोट, वर्किंग नोट मतलब हमारे हाले दिल. अब ये अलग चीज है कि हम अपने हाले दिल कैसे बयां करते हैं वहां पर, और इसी में बेटे प्रेजेंटेशन होती है, हमारी अपनी चॉइस होती है हम प्रेजेंटेशन किस तरह से करें. कोई यहाँ पर ट्रक बना रहा होगा, कोई यहाँ नलायक बैलगाड़ी बना रहा होगा, मुझे पता है. लो जी, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसने जो चलाया वो बना देना. आओ जी, रेडा मत बनाना. हाँ, 1000 नलायक सर रेडा बना सकते हैं. हाँ चलो जी, 1,05,000, 1,05,000 ठीक है जी. बेटे रास्ते में चलो जी, जब ये क्वांटिटी चली 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 चली, रास्ते में अपनों में लॉस हुआ, हाँ जी हुआ. कितने का हुआ, रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हुआ और 50 क्वांटिटियां लॉस हो गई. बेटे 50 क्वांटिटी की वहां पर वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों को ये कैलकुलेशन पूरी तरह से याद है. अगर नहीं भी याद है बेटे, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर ही रहा हूँ, उनको तो सिर्फ क्या करना है, अपना किया हुआ आंसर मैच करते जाना है. 1,05,000 रुपए की कॉस्ट है 1000 क्वांटिटी की,
एबनॉर्मल लॉस वाले स्टॉक तुम यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, 50 क्वांटिटी के हिस्से में कितनी आएगी, अमाउंट कितनी आएगी जी, 1,05,000 इंटू 50 बटे 1,000। आज तो आपको कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा मैं लोड नहीं डालूंगा, आपको वैसे ही कैलकुलेशन करनी है पूरी तेजी से एकदम, और बस मैच करते जाना है। सार्थक सामने देखो, ओ नलायक इधर इधर, हाँ इधर देखो सामने, यस आओ बेटे, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं हम घर पे हैं, आओ जी बेटे, रास्ते में है बच्चों, अभी कुछ जो है ना गुड्स इन ट्रांजिट है बेटे, कोई मुझे बताएगा जो रास्ते में क्या वो लॉस हो गया, जल्दी बोलो, एक नया पॉइंट आपके सामने, नहीं 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 हुआ, वेरी गुड बेटे, इसकी भी वैल्यू बिल्कुल ऐसे निकलेगी जैसे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में हुआ क्या, उड़ गया दिख नहीं रहा, ये क्या है, ये रास्ते में है, इसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो, कोई मुझे बता सकता है, बड़ा अच्छा लगेगा अगर बच्चों ने सही कैलकुलेशन बता दी, बोलो बेटे ये रास्ते में है 100 क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेटा 100 क्वांटिटी, मैंने आपको ये पॉइंट कराया नहीं है, अब करा रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप निकालने पाए तो आप बड़े प्रकार से निकाल सकते हो, 10,500, वेरी गुड, बहुत सही आंसर बताया बच्चे ने, वेरी गुड बेटे, बेटे बताओ कैसे भाई, 1,05,000 रुपए की कॉस्ट चली थी ट्रक में भर के, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, और ये 1,000 क्वांटिटी के नाम की थी, इसमें से 100 क्वांटिटी के नाम की कितनी है, क्लास में कोई अर्जेंट तो नहीं है, अच्छा चलो ठीक ठीक, 100 क्वांटिटी के नाम की कितनी है, बोलो बोलो, 10,000, हाँ 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 10,500, बहुत ही सुंदर आंसर दिया बच्चे ने, विश्वास मानो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को देख के, ये है सही सेंस में आपके पास में चीजें डिलीवर हो रही, आपने इसको पहचान लिया कि खर्चा यहीं तक तो आएगा, ग्राफ अगर आपके कंट्रोल में तो क्वेश्चन आपके कंट्रोल में, और क्वेश्चन आपके कंट्रोल में तो आंसर सही जा करके नंबर भी आपके कंट्रोल में आएंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बेटे बताओ कितनी क्वांटिटी वहां पर ट्रक लेकर के पहुंचा होगा जी, 850, वेरी 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 गुड, 1,000 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी तो रास्ते में, तो 900 पहुंचनी चाहिए, लेकिन 900 में से जब 50 के विकेट उड़ गए गिर गए, यानी कि पहुंची कितनी, 850 क्वांटिटियां, शाबाश बच्चों, वेरी वेरी गुड, तो मैं कह सकता हूं कि 850 क्वांटिटी ने एंट्री की यहां पर कंसाइनी के पास में गोडाउन में। अब अगली बात, कंसाइनी ने यहाँ पे खर्चे किए जी, कंसाइनी ने यहाँ पर खर्चे किए, कंसाइनी के दो तरह के खर्चे हैं, एक है बेटे वेरिएबल जो स्टॉक में जुड़ते हैं, जो उतना खर्च होते हैं जितना स्टॉक सामने दिखा होता है, और दूसरे खर्चे हैं कौन से जी, कौन से, फिक्स, ये वो खर्चे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं कि कोई स्टॉक आएगा तभी थोड़ा खर्च होंगे, ये तो तभी तुरंत के तुरंत खर्च होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, चाहे स्टॉक आए या ना आए। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा, बताओ बेटे पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से खर्चे हैं, जो ये कितने के हैं, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,700 और वेयर हाउस स्टोरेज चार्जेस, क्या ये स्टॉक में जुड़ेंगे, कौन बताएगा जी, स्वयं बोलो बेटे, नहीं सर नहीं जुड़ेंगे, वेरी गुड, मैं कह सकता हूं जी जो वेयर हाउस का जो चार्ज है एंड स्टोरेज है, नंबर एक बेटा, नंबर दो पैकिंग एंड सेलिंग, पैकिंग एंड सेलिंग तो बल्कि इसका भी नहीं है, वो तो भाई पता कहाँ का है, वो तो सेल होने पर खर्चा है, वो तो सोल्ड क्वांटिटी पे खर्चा होगा, पैकेज वेयर हाउस कितना जी, यह है जी 1,700 सर, बस एक मिनट अभी ले रहा हूँ, इसमें से कुछ क्वांटिटी हैं जो सेल हो गई होंगी सोल्ड, और कुछ क्वांटिटी हैं जो क्लोजिंग स्टॉक में रही होंगी, जहां पर क्वांटिटी सेल हुई होगी उन सोल्ड वाली क्वांटिटी पे सेलिंग एक्सपेंस हुआ होगा, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस, और वो है हमारा कितने का जी, 600 रुपए का, शायद 600 रुपए का, ये रहा जी, और एक है हमारा क्लियरिंग एक्सपेंसिस जो है 850 रुपए का, वो उस पे खर्च होगा जो
गुड्स क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो गुड्स पे खर्चा नहीं हुआ, इस रास्ते वाले गुड्स उनपे तो खर्चा हुआ ही नहीं, हमने वहां पर नहीं जोड़ा 850 का हिस्सा। पूछो बेटे क्या पूछ रहे हो अंटू, पूछो। सर पैकिंग जो एक्सपेंस है, पैकिंग एक्सपेंसेस वो तो वेरिएबल होना चाहिए। कौन से वाला? पैकिंग। पैकिंग बेटा पैक। देखो वेरिएबल तो जरूर है लेकिन वो सेलिंग से बिलोंग करता है, स्टॉक से नहीं। इसका मतलब आपने कॉस्ट पढ़ रखी है, पढ़ रखी है अंटू। अरे सर इस पॉइंट में हमारा प्राइमरी पैकिंग भी तो आ सकती है। देखिए जब पैकिंग सेलिंग के साथ हो सेल्स वाली पैकिंग है, मेरी बात सुनिए, जब पैकिंग का जो खर्चा है वो सेलिंग के साथ दे रखा है, यानी कि सेल्स वाली पैकिंग है, जहां प्राइमरी पैकिंग साफ साफ दी होगी वो अलग चीज है। मैंने कहा ना आप लोगों ने कोर्स पढ़ रखी है इसीलिए आप उस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन उसको ना इस डिस्कशन को फटाफट से ओवर कर लेना बस, उससे क्या होगा ना बाकी बच्चों को, क्योंकि जिन्होंने कोर्स नहीं पढ़ी उनको दिक्कत नहीं होगी बस। ठीक है डन। आइए जी, तो जब पैकिंग का खर्चा सेलिंग के साथ है, मतलब सेल वाले पर। एनीवेज आइए बेटे, 850 में से कितनी क्वांटिटी है जो बिक गई बच्चों? 700 क्वांटिटी बिक गई, और कितने के रेट पे बिक गई बेटा? 140 रुपए के रेट पे, 14×7=98, यानी बेटे 98,000। और पता है बेटे यहीं पे ही कमीशन भी है, 10% सेल्स कमीशन भी है, 10% कमीशन। बताओ बेटे कितना? 9800। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटे कितनी क्वांटिटी कंसाइनी के गोडाउन में घुसी थी? 850। उसमें से कितनी बिक गई? 600। अच्छा 700 बिक गई, सॉरी यू आर राइट, 700 बिक गई, 850 में से 700 बिक गई। तो बेटे कितनी क्वांटिटी स्टॉक में बच गई जल्दी बोलो? 150। वेरी गुड। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलेगी वो 150 क्वांटिटी की वैल्यू निकलेगी, 150 क्वांटिटी की कोस्ट निकलेगी बेटे। अब बेटे एक छोटी सी बात और यहाँ पर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारी कैलकुलेशन इसी चार्ट पे होनी है, आप सबने कैलकुलेशन कर रखी है, याद है 850 क्वांटिटी कंसाइनी के गोडाउन में घुसी, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से, 1000 क्वांटिटी चली जिसकी कोस्ट 105,000 थी, जिसमें से रास्ते में 50 वेस्ट हो गई, रास्ते में अभी भी जिंदा है, सो पहुंची है 850। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो 850 क्वांटिटी पहुंची होंगी बेटे, इसमें कोस्ट उनकी साथ में तो पहुंची होगी ना, 105,000 कोस्ट थी, कितने की थी? 1000 क्वांटिटी की। इसमें से 850 क्वांटिटी की कोस्ट कितनी थी जो यहाँ पर गोडाउन में पहुंची बेटे, उनकी कोस्ट कितनी रही होगी? कौन बताएगा? 89250। 89250। तो मैं इसको यहाँ पर इस वाले कलर से लिख रहा हूँ, 89250 की कोस्ट कंसाइनी के गोडाउन में एंट्री कर रही है। बेटे मुझे बताओगे एक छोटी सी बात, क्वांटिटी कितनी एंट्री कर रही है? दोबारा से पूछ रहा हूँ मैं, तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ, कंसाइनी के गोडाउन में क्वांटिटी कितनी एंट्री कर रही है गोडाउन में जल्दी बोलो? 850। अगर यहाँ पर नॉर्मल लॉस होता तो मैंने आपसे क्या बताया था, नॉर्मल लॉस हमेशा जस्ट पिछले वाले पड़ाव पे कम करना है, तो मैं क्या करता, क्या ट्रीटमेंट करता, जितनी नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी अगर 10 क्वांटिटी होती अगर नॉर्मल लॉस की, तो मैं क्या करता? 840। वेरी गुड। मैं इस 850 क्वांटिटी को बस 840 लिख देता बस, आगे की कैलकुलेशन के लिए उनको मैं 840 मान करके कैलकुलेशन करता, कोस्ट नहीं कम करता, कोस्ट तो मैं ये ले रहा होता 850 की, लेकिन मैं क्या करता सिर्फ 10 क्वांटिटी को जस्ट पिछले पड़ाव पे कम करना था। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को कंसाइनमेंट, मतलब सच में कई दिनों बाद पढ़ाते हुए ऐसे बच्चों को जो पहली बारी में सारी बातें कैच करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा बेटा। बेटे आओ जरा बच्चों, अब यहाँ पर हमें वैल्यूएशन करनी है। नंबर एक, सबसे पहली बात हमें इस स्टॉक से बात करनी है, स्टॉक तुम यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए जरूरी थी जिनके बिना तुम पहुंच नहीं सकते। एक दिन सीए बनोगे, सीएमए बनोगे तो तुमसे भी ये पूछा जाएगा, बताओ कौन लोग थे कहीं उसमें तुम्हारे लिए जरूरी, माँ बाप के साथ में कहीं कोने में, दिल के कोने मेरा नाम भी ले देना। आओ बेटे
तो स्टॉक तुम यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, 150 क्वांटिटी तुम्हारे पहुंचने के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जिनके योगदान के बिना तुम नहीं पहुंच सकते। नंबर एक कह रहे सबसे पहले बात तो वो है ना कंसाइनर, हाँ जी एक तो हम उसकी बात बताते हैं, अच्छा और बताओ कि दूसरी बात हम कंसाइनी की बताते हैं, इन दोनों के बिना हम नहीं पहुंचते यहां पर। अच्छा कंसाइनर ने क्या किया तुम्हारे लिए कि देखो भाई ये 8,250 की कॉस्ट अगर उसने खर्च नहीं की होती तो हमारा यहाँ पे पहुंचना संभव था ही नहीं। क्या मतलब भाई 8,250 की कॉस्ट कितनी क्वांटिटी पर खर्च की थी उसने, कि उसने की थी यहाँ पर 850 क्वांटिटी पर, अगर नॉर्मल लॉस होता तो मैं बोल रहा होता 840 क्वांटिटी के लिए, है ना इतना फर्क पड़ता बस, तो नॉर्मल लॉस है नहीं तो मैंने 850 ही लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 150 क्वांटिटी इनके हिस्से में कितनी आई। एक तो जी इसके योगदान के बिना नहीं पहुंचते, बेटे अमाउंट बताओ जल्दी बोलो। 15750 चेक करना बेटा। चलो अगली बात, कंसाइनी, कंसाइनी ने भी खर्चा किया जी। अच्छा कितना खर्चा किया, कि कंसाइनी ने खर्चा किया 850 रुपए का, कितने क्वांटिटी पे किया इसने, कि जी 850 क्वांटिटी पे ही। अच्छा तो कितनी क्वांटिटी हो तुम, कि हम तो जी 150 क्वांटिटी है। अच्छा इसका मतलब तुम्हारे हिस्से में 150 रुपए है। बेटे ये ऊपर वाली अमाउंट मुझे क्यों गलत लग रही है पता नहीं, चलो देखना बेटा एक बार 850 सही है। अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो पक्का सही होगी, आओ बेटे तो इन दोनों के बिना नहीं पहुंच सकता था। ठीक है जी बेटा टोटल करो इसका जल्दी से, 15,900 का है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। बेटे एक स्टॉक तो ये है, दूसरा स्टॉक है जो रास्ते में, तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो दोनों दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये ग्राफ, क्या ये सबने ग्राफ नोट कर लिया है या मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम आपको देना है। अगर किसी बच्चे ने ये कहा कि सर टाइम दे दो तो ही मैं रुकूंगा, अदरवाइज मैं मानूंगा सबने टीप लिया है, सबने कर लिया है। हाँ जी सर, जो वर्किंग नोट में हम करते हैं रफ वर्क, उसकी राय अगर एग्जामिनर को समझना है तो उसके मार्क्स काटता है? नहीं नहीं कभी नहीं, आप बस उसमें उसे देखो, ऐसा कभी आप लिखोगे कभी भी नहीं लिखोगे आप इस तरह का कि उसको समझ में ना आए, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। हाँ थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि भाई, लेकिन राइटिंग बस आप साफ साफ अपनी रखना, क्योंकि जो भी आपने लिखा है उसके सपोर्ट पे तो मुझे पता है कि आप रिलेवेंट चीज ही लिखोगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कभी भी इररिलेवेंट चीज लिख रहा होता है। जैसे CCH यूनिवर्सिटी में आप जाओ वहां पे एक पड़ोसी की सारी बात बताया हो कॉपी में, पक्का आपको नंबर मिलेंगे बशर्ते आपने खूब पेज भरे। हाँ तो आप लिखोगे भी हमेशा कौन सी रिलेवेंट बात लिखोगे, तो मुझे पता है, तो उसकी आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। आइए जी तो मैं मानूं सब बच्चों ने टीप लिया है, आइए फिर चलते हैं बेटे आगे। बोलो टीप लिया कि नहीं? हाँ सर टीप लिया है, टीप लिया सर, टीप लिया। आओ जरा तो लो बेटे फटाफट से शुरू हो जाओ, अब मुझे बताते रहना। सबसे पहले बेटे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेटा इनवॉइस प्राइस मेथड नहीं है। 1,00,000 हाँ 1,00,000 रुपए का गुड्स चला जी। नेक्स्ट बेटे फिर कंसाइनर ने खर्चे किए टू बैंक, वेरी गुड वेरी वेरी गुड, 5,000 रुपए। फिर बेटे रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्या उसका कोई क्लेम लेम है यहाँ पर? कोई नहीं, नो सर कोई क्लेम नहीं मिला जी, यानी वो सीधा सीधा कहाँ गया बेटे PNL में, बाई एबनॉर्मल लॉस या बाई PNL लिख दो सीधा। लो भाई लो आगे चलो, लॉस बेटे कितने का है? 5,250 वेरी गुड सर सेल। अब आई जी अगली बात, रास्ते में फिर बेटे क्वांटिटी पहुंच गई कंसाइनी के गोडाउन में, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के लिए उसने क्या करा? क्लियरिंग करा,
तो टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है सुंदरम, टू श्री सुंदरम, ये है क्लियरिंग के एक्सपेंस और दूसरे वाले खर्चे भी, सारे एक्सपेंस ऑल एक्सपेंसेस इकट्ठे कर दो उसके। बोलो जी कितना है, 801 है और 1701 और 601 यानी 2300 हो गए कि ना, 3150 सॉरी 3150 हो गया जी इनका टोटल। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बोलो जी, जल्दी बोलो जी। सेलिंग एक्सपेंस जैसे हम अलग करके देखते हैं तो सुंदरम वैसे करें तो सही है, अलग कर लो मेरे बच्चे, अलग अलग कर लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। सेलिंग एक्सपेंस कितने के हैं, 600 तो 1700 और 850 यानी कि बेटे 2550 को अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। टू श्री सुंदरम ऐसे कर लो बेटा, 600 यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। टू अब बेटे यहां पे क्या है, बाई सेल, जब सेल हुई तो सुंदरम जी के पास में है पैसे, श्री सुंदरम, सुंदरम के पास में सेल्स वाली अमाउंट है। कितने रुपए की सेल हुई थी बेटे, 98,000 की सेल हुई थी बच्चों। कमीशन कितने का था बच्चों, 10% 9800 सुंदरम, 9800 का उनका कमीशन था। आगे चलो जी, अगला पॉइंट बेटे, फिर बेटे अगला पॉइंट आया कमीशन के बाद में क्लोजिंग स्टॉक का, पता है दो स्टॉक है वहां पर, क्लोजिंग स्टॉक पता है दो स्टॉक कौन कौन से हैं, हाँ सर, नंबर वन इन ट्रांजिट और नंबर टू इन गोडाउन। जो इन ट्रांजिट था उसकी वैल्यू आपने निकाली थी बेटे कितने रुपए आई थी, 10,500 और जो अभी अभी आपने निकाली है वो आपने निकाली बेटे 15,900। तो मैं मान रहा हूं कि आपने ये बात अच्छे से समझ ली है और अब आप मेरे को इसका टोटल बता रहे हो। बोलो बेटे बाई साइड का टोटल बताओ, या मैं ही करूं, चलो मैं ही करता हूं, 5 to 5 जोड़, 33 से करना है बेटे आज, दे दना दन, दे दना दन, दे 129650 वेरी गुड 129650 बेटे प्रॉफिट बताओ, माइनस 11700 11700 दिस इज व्हाट, दिस इज आवर प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। आइए जी आगे बढ़ते हैं बेटा, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ये जीपी का काम कर रहा है, ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। आइए जी श्री सुंदरम का अकाउंट बनाओ बेटे, बहुत तेजी से बनाओ, जल्दी से, दे दनादन, दे दनादन, बाई कंसाइनमेंट। एक तो जी एक्सपेंस वाली बात के लिए, फिर एक और एक्सपेंस वाली बात के लिए, फिर कमीशन वाली बात के लिए, 9800 कमीशन है जी, 600 ये वाले एक्सपेंस है जी, 2550 ये वाले एक्सपेंस है जी। आज तुम कहोगे सर आपको क्या हो गया, आप तो कह रहे थे आप हमेशा धीरे चलते हो, इवन शादी के फेरों पे भी आपको धक्का दे दे के आगे बढ़ाया गया था, चला गया। आज तो आपने सर रॉकेट वाली स्पीड पकड़ रखी है। हाँ तुम्हें पता है शादी के फेरों में भी जबरदस्ती धक्का दे दे के चल आगे, चलता नहीं है, चलता नहीं है। अब देखो मैंने कहा मुझे बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, तो कह रहे हैं ऐसे थोड़ा ना होता है, शादी में तो जल्दी जल्दी चलते हैं ना। तो अब देखो बेटे कितनी हालत खराब थी, जल्दी बताओ बेटे टोटल और बैलेंस की फिगर कौन बताएगा जी, सबसे पहले कौन है, 12950 वाह मेरे शेर, 98,000 में से घट के ये 12950 बच जाएंगे। अच्छा 98,000 साइड का बता दिया, 85050 ओके, वरना ये हमेशा सही बताता है वैसे, वो तो ऐसी गलती, मैंने उस साइड देखा ही नहीं था सर, लेफ्ट साइड, हाँ राइट ही देखा था।
जब शादी करने जाओ तो बेटे दोनों साइड देखना। आओ जी। ओके सर। हाँ, और कभी पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाए नालायक, इधर आओ। चलो जी, और मजे ले रहा हूँ तुम्हारे से, इसलिए तुम्हें हंसाते खिलाते पढ़ाना चाह रहा हूँ। चलो जी, अब मुझे जल्दी से बताओ बेटे, कंसाइनी के यहाँ पर कंसाइनर का अकाउंट बोलो जी, कंसाइनी ने क्या क्या खर्चे किए, तो बोलेगा क्या, टू बैंक, ये सारी की सारी जो एक्सपेंस वाली बात है, मैं सीधा कर दू, ₹3100, 3150 है, कितने है? 3150। टू कमीशन बोलो बेटे 9800, बाई कैश या फिर बैंक, बेटे सेल्स वाली अमाउंट बोलो बेटा कितना बच्चों, 98,000। देख रहे हो, आईना है जी, आईना है, आईना है जी, आईना है, कंसाइनर का अकाउंट कंसाइनी की बुक्स में आईना है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। बोलो बेटे बैलेंस फिगर कितनी बताई थी, टू बैंक, पता है? ये बाकी बच्चे जो आए हुए बेचारे आज वो सोच रहे होंगे ये तो बहुत भागता है, बहुत भागता है, उन्हें पता नहीं है चैप्टर खत्म कब का हो चुका है, हम तो जरा मेहनत ज्यादा कर रहे हैं इसमें। आओ बेटे बताना जरा जल्दी से, 85050। चलिए बेटे फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज का तो बस नाम है चलती का नाम गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, सर आज ही पैकअप करा दो ना इसको। क्या कह रहे हो? आज ही पैकअप करा दो, दो क्वेश्चन पेंडिंग है, तभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस तेज करा रहा हूँ। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहे हो आज, चाहे सब दो क्लास ले लो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटे फटाफट से, सोमेश, सोमेश ऑफ कोलकाता, सोमेश ऑफ कोलकाता, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा। कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता से अंटू जी बैठे हैं क्लास में इस टाइम पे, और अंटू जी मुझे बताया आपका, आप टीचर हो, पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी जब पढ़ता था पढ़ाया जरूर करता था। आइए बेटे सोमेश ऑफ कलकत्ता, मैं अगली बार ना बुक में इसका नाम चेंज करूंगा और मैं लिखूंगा अंटू जी ऑफ कलकत्ता, ये कोलकाता से हमारे बच्चे अगर हमारे साथ में और वो पढ़ा भी रहे तो बहुत अच्छा लगता है। सोमेश ऑफ कोलकाता कंसाइंड, कलकत्ता कंसाइंड 100 केस ऑफ कैंडल, बेटे 100 मोमबत्तियां, मोमबत्तियों के 100 केस, उन केसेस उन्होंने भेजे किसको, शैलेस ऑफ बंकुरा, बंकुरा बेटे बंकुरा के कुछ शैलेश जी हैं, मतलब सीधी सी बात है, सोमेश ने शैलेश के पास में गुड्स भेजे, कितने की कॉस्ट है बेटे उनके पास में, ₹30 पर पर केस की, बताना बेटे जरा 100 केस की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, सर 100 केस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो 30 × 100 यानी कि 3000, कितनी 3000। आगे चलो बेटा और देखो क्वेश्चन में क्या कहा, पैकिंग का खर्चा है जी और दूसरे खर्चे हैं जी, पैकिंग का भी खर्चा है और दूसरे वाले भी खर्चे हैं, कौन कौन से, हाँ जी, पैकिंग का 40, कैरिज का 20 और रेलवे का कितना, रेलवे का ₹46 रेलवे फ्रेट। बेटा ध्यान से देखो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, वही वाली बात आ गई कि सर टोटल करना जरा इनका फटाफट, 4 × 2 = 6 और 4 = 10, ₹106। सर ये जो ₹106 ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, इसमें फिक्स है या सेलिंग के भी हैं। बेटे यहाँ पर पैकिंग प्राइमरी पैकिंग वाला काम कर रही है, मैंने कहा था आपसे क्या, किसी चीज के बारे में कुछ ना बोले तो कंसाइनर के खर्चे क्या होंगे, वेरिएबल, क्या होंगे, वेरिएबल। कंसाइनर क्यों खर्चा करेगा पैकिंग का बताओ, कंसाइनर को गुड्स भेजने हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बारिश लगने पे खराब हो सकते होंगे, धूप लगने पे खराब हो सकते होंगे, तो उसको भेजने के पर्पज से उसने पैकिंग कर रखी है, तो यानी कि अगर गुड्स गया तो खर्चा हुआ और अगर गुड्स नहीं गया तो खर्चा नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि पैकिंग के खर्चे फिक्स होते हैं, कभी नहीं कहा, अभी भी बात हो रही थी तो मैंने कहा था भाई पैकिंग के खर्चे वेरिएबल होते हैं, लेकिन वो सेल्स पर किए जाते हैं नॉर्मली। अब कंसाइनर तो सेल कर नहीं रहा, तो कंसाइनर के जो खर्चे हैं
ये तो रास्ते में गुड्स को भेजा जा रहा है, उस पर्पज से पैक करने हैं, है ना। तो ये कॉस्ट में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? पक्का जुड़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? 101% जुड़ेंगे। पूछो अंटू, जल्दी से पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कौन सा ना तो पैक करके भी बेच सकता है ना, सिर्फ सेल करना तुम्हारा काम है, मैं पूरा रेडी माल भेजूंगा, तुम जब सेल करोगे। लेकिन उसके पास तक माल पहुंचाना भी तो है, और रास्ते में जो जगह है, जो स्पेस है, उसमें बारिश भी हो सकती है और भी दूसरी चीज हो सकती है जहां पर पैकिंग उसको सेफ्टी दे, इसलिए पैकिंग के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके ठीक है अंटू। अच्छा मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा आप कैमरे में, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ नहीं दिखते ना, आप रिप्लाई दे दिया करो। ओके चलो आइए बेटे, बच्चों आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द केसेस वर डैमेज इन ट्रांजिट, लो बेटे रास्ते में कुछ एब्नॉर्मल लॉस हो गया। फिर क्या कहते हैं, सैलेश को कितने गुड्स मिले? 100 में से 10 केस तो रास्ते में विकेट गिर गए, 90 पहुंच गए जी, बहुत अच्छे जी। तो अगर क्लियरिंग के खर्चे हुए तो 90 पे होंगे, ना कि 100 पे। सैलेश ने खर्चे किए, क्या किया जी, उसने 10 रुपए कार्टेज के किए, अच्छा जी। और 140 रुपए दूसरे वाले खर्चे किए जी, कौन से वाले खर्चे जी, एडवर्टाइजमेंट के, अच्छा जी। और सेल कर दिए, कंसाइनमेंट सेलिंग एंड सोल्ड द कंसाइनमेंट, और जो कंसाइनमेंट आया था वो बेच दिया 40 रुपए पर केस के हिसाब से, 40 रुपए पर केस के हिसाब से। बेटे मुझे ये बताओ, क्या वहां पे कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा? नहीं बचा जी, नहीं बचा। कह तो रहा है कि उसने कंसाइनमेंट पूरा बेच दिया, बचा ही नहीं वहां पे कुछ। He sent the net amount to Somesh after deducting his expenses. अपने खर्चे वर्चे सब काट लिए, जो जो खर्चे उसने consignor के behalf पे किए थे वो खर्चे काट लिए, and commission भी काट लिया 5% के हिसाब से, जो deduct करेंगे 5% के हिसाब से, total sales पर 5% के हिसाब से, ठीक है। अच्छा together with his account sale, उसने बात बताई, Somesh जो है उनको रिसीव हुए 280 रुपए रेलवे से एज ए डैमेज। बेटे इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा बच्चों उसको, है ना। तो हम पहले इंश्योरेंस क्लेम निकालने से पहले एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर इंश्योरेंस क्लेम हटा करके बाकी का पेनल में डालेंगे। आइए जी प्रिपेयर कीजिए लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोमेश, मतलब कंसाइनर। लेट्स स्टार्ट। लो बेटे आंसर नंबर बोलो, बोलो आंसर नंबर कौन सा है जी? आंसर नंबर है 8। वेरी गुड। आइए बेटे लिखिए फटाफट से आंसर नंबर 8। In the books of Somesh, कौन है जी, कौन है ये? Consigner। बेटे ब्रैकेट में जरूर लिखना consigner word और consignee word। Next, बेटे अब मैं डेट पार्टिकुलर छोड़ करके मैं सीधा लेजर खींच दूं ताकि थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन कर ले हम लोग, है ना। आइए जी कंसाइनमेंट अकाउंट, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किप करते हुए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लें क्लास में। कंसाइनमेंट अकाउंट, नेक्स्ट कंसाइनी अकाउंट, कौन है जी कंसाइनर, कौन है जी कंसाइनी, कंसाइनी है सैलेश। नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ सैलेश क्या बनाएंगे हम लोग, सोमेश का अकाउंट, कंसाइनर का अकाउंट। बेटे एग्जाम में आपको इतने सारी चीजें बनाने को नहीं आएंगे एक क्वेश्चन में, लेकिन मान लिया वही चीज आ गई जो हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं की, तो इन द बुक्स ऑफ सोमेश सॉरी शैलेश सोमेश अकाउंट
तो इसमें वैसे ज्यादा ग्राफ की जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे बिना ग्राफ के काम निपटा दें। आइए जरा, सबसे पहली बात, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेटे यहाँ पर इनवॉइस प्राइस मेथड नहीं है, सीधा सीधा क्या है बेटे, कॉस्ट मेथड है। बताओ जी कितनी क्वांटिटी भेजी थी उसने, 100 क्वांटिटी है ना, 100 क्वांटिटी भेजी थी बेटे, और 30 के रेट के हिसाब वाली, ठीक है, 30 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट थी उसकी 3000। बेटे इसने खर्चा किया था टू बैंक कितने रुपए बेटा, 106 रुपए इसने खर्चा किया, कंसाइनर ने खर्चा किया एक्सपेंसेस। अगली बात बेटा, नेक्स्ट, फिर क्या हुआ जी बेटे, रास्ते में लॉस हो गया, तो बाई बैंक और बाई पीएनएल, जिन बच्चों ने जेनेट्री कर रखी है उन्हें पता है कि जब हमें इंश्योरेंस क्लेम वाला बैंक इंश्योरेंस क्लेम वाला पैसा मिलता है तो मामा नहीं हमारा घर पे पैसे देने आएगा, वो सीधा सीधा क्या होगा, एक तो देते नहीं, ऊपर से देते हैं तो क्या होगा, वो सीधा सीधा खाते में ट्रांसफर करेंगे या चेक पकड़ाएंगे, तो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, ठीक है बेटे। लो जी इंश्योरेंस क्लेम, नेक्स्ट ये क्या है बेटा, लॉस। बेटे कितने रुपए का ये है, आइए जरा चेक करें, एक वर्किंग नोट बना लें क्या छोटा सा, वर्किंग नोट नंबर 1 एबनॉर्मल लॉस। बेटे कितनी क्वांटिटी थी बताओ, क्वांटिटी कितनी थी, 10 थी जो रास्ते में वेस्ट हुई, सही कह रहा हूं जी मैं, 10 क्वांटिटी, 3000 प्लस 106 ये टोटल खर्चा था, और पता है ये कितनी क्वांटिटी पे था, 100। क्या इस पे कंसाइनी को खर्चे करने का मौका मिला, नहीं जी, वहां तक पहुंचा ही नहीं जी, तो खर्चा कैसे कर देता जी, तो रास्ते में नुकसान था जी। अच्छा अगर उसके कंसाइनी के गोडाउन में बम फटता वहां जाके नुकसान होता, तो फिर तो कंसाइनी के खर्चे भी कुछ हिस्सा वहां पे लेकर के वो डूबते जो गुड्स एब्नॉर्मल लॉस में जाते। चलो जी तो इनटू 10, तो बेटे मैं कह सकता हूँ ये हो गया हमारा 3106 डिवाइडेड बाई 280 रुपए रेलवे से एज ए डैमेज, 280 रुपए हमें मिल गए। बेटे जब 280 रुपए मिल गए तो कायदे से जो हमारा नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, 31। मैं कह सकता हूँ एंट्री हमारी क्या होगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट 280, पीएनएल अकाउंट डेबिट 31 टू कंसाइनमेंट। ठीक है पोस्टिंग करो जी, कंसाइनमेंट में क्या लिखोगे, बाय बैंक और बाय पीएनएल, बाय बैंक 280 और बाय पीएनएल 31। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटे इसके बाद में क्या हुआ जल्दी से बताओ, फिर तो क्या हुआ, कंसाइनी ने खर्चा किया क्या, देखो जरा, यस कंसाइनी ने भी खर्चा किया, कंसाइनी ने बेटे कितना खर्चा किया देखो जरा, 10 रुपए, 140 रुपए और 40 रुपए, यानी मैं कह सकता हूँ बेटे 190 रुपए कंसाइनी ने भी खर्चा किया, 190 110 140 और 40 कितने हो गए, 80 और 10। सर 40 तो सेलिंग वाली कॉस्ट है ना उसकी, एक्सपेंसिव बोलना है। अरे 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 हाँ, 140 और 10 50, यानी कि 150 रुपए खर्चे हुए, टू कंसाइनी कौन है बेटा, शैलेश 150, वेरी गुड बेटा, 40 रुपए तो उसके सेल्स प्राइस के थे, उसने बेटे बेच दिया, बेच करके पैसा अपने पास रख लिया, तो कंसाइनी को डेबिट कर रहे हैं हम लोग, हम कौन कंसाइनर, ये किस बात के लिए बेटा, सेल वाली बात के लिए, कितने रुपए उसके पास में आ गए, उसने 100 में से 10 तो रास्ते में गए, 90 पहुंचे तो 90 के 90 उसने बेच दिए, कोई क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं, 90 बेच दिए 40 के हिसाब से, 9 चौक 36,
यानी बेटे 3600 रुपए उसके पास में आ गए। और टू कमीशन, कमीशन किसको मिलेगा बेटे? शैलेश को। शैलेश को हम लोग क्या दे रहे हैं बेटे? सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन बेटे, सेल्स कमीशन जो हम लोग दे रहे हैं वो किस हिसाब से दे रहे हैं उसको, क्या परसेंटेज को दे रहे हैं? 5%। 3600 रुपए की सेल है, उसका 5% कितना होता है? कौन बताएगा जी? कौन है सबसे होशियार बच्चा? 180 रुपए क्या है बेटा उसका कमीशन। अब आप देख रहे हो, आप हमेशा कहते हो सर पता नहीं क्यों धीरे 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 चलते रहते हैं, जब देखो तब धीरे धीरे, जब देखो तब धीरे धीरे, आपके लिए ताकि आपको कोई चीज छूट ना जाए। टोटल करो बेटे इसका, क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं यहाँ पर, बोलो बेटे। 3911 बताओ बेटे, प्रॉफिट कितना? 475। बनाओ बेटे कंसाइनिंग का अकाउंट, इसी से बनेगा जी। दे धनातन, दे धनातन, जहां जहां कंसाइनी का नाम है वहां वहां पोस्ट है, बाई कंसाइनमेंट। ये है 150 रुपए और फिर कितने बेटे? 180 रुपए। थोड़ा प्रेजेंटेशन हटा दूं मैं, है ना, इधर टू कंसाइनमेंट 3600 रुपए उन्हीं के पास तो है। अच्छा और क्या है? और कुछ नहीं। चलो तो अब बताओ उनसे पैसे कितने ले रहे हैं भाई? 3600 तो टोटल है, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी है जो हमें लेनी है बाय बैंक? कौन बताएगा जी? 3270। बनाओ बेटे आईना, बनाओ अगले पेज पर आईना बनाओ। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कंसाइनर का टू वाली चीज बाय में, बाय वाली चीज टू, 150 और 180। आइए जी, टू बैंक 150 और टू कमीशन 180 बाय बैंक या फिर कैश कर लो, एक ही बात है, 3600 रुपए। और जो फिगर अभी भी आपने मेरे को बताई थी क्या है बेटा फिगर? 3270। टू बैंक, उम्मीद है अब आपकी प्रैक्टिस चल रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। 20 ऐसे क्वेश्चन पे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। अगर हम 10 मिनट से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पे लगा तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आइए जल्दी बेटा, बस स्केल का ध्यान रखना, स्केल जरूर यूज करना, फटाफट टाइम बचता है। कई लोग सोचते हैं इसने स्केल, अबे तलवार थोड़ा निकाल रहे, स्केल ही तो निकाल रहे हैं, कहते सर इतने में स्केल निकालेंगे, मैंने मयान से तलवार निकालेगा तू? तलवार नहीं होती वो, छोटा सा स्केल होता है, 2 मिनट में सामने रखू मतलब, उसका बहाना लेते हैं बच्चे। आओ जी, तो हमारा कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आइए बेटे अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने पहले कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। 4 और 5 करने बहुत जरूरी है। आओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करें, लो भाई लो आगे चलो। पहले करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सब तरह के कमीशन। पढ़ो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। जिंदगी की पढ़ो बेटे पढ़ो, पहले आप पढ़ोगे फिर मैं पढ़ूंगा। लंबी
पढ़ लिया क्या? देखो होमवर्क, कोई डाउट है पहले ये पूछ लो, मुझे बताए अगर मैं बोल दूं ना होमवर्क तो पहले कह दें बस, मतलब नहीं करना। अरे एक आधा ना हमारे लिए भी छोड़ दो, सारे तो आपकी तरह नहीं करने लायक हमारे लिए। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर फोर में कोई डाउट है क्या? सर कुछ भी नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे। इसमें मेन चीज है कमीशन निकालना, ठीक है ये आप करना। निकल जाएगा जो। यस आओ क्वेश्चन नंबर फाइव मेरे साथ करो जल्दी से। 10 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, 15 मिनट से ज्यादा का। क्वेश्चन नंबर फाइव बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, और मैं तो कहता हूँ कि अगर सबसे ज्यादा कोई आतंक मचाता है तो वो ये है क्वेश्चन नंबर फाइव। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फाइव। क्यों सर ऐसा, इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में मजे मुझे क्यों आते हैं? क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना होता, बच्चों को सोल्व करना होता है। क्यों सर ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैथमेटिकली इक्वेशन बनी और ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन की इक्वेशन जो है ना, बच्चे खुद अपने आप सॉल्व कर रहे होते हैं, मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे तो बस बच्चों को यही इक्वेशन तक पहुंचा देना होता है। आओ जी हमारे ना टेंथ में मैथ के टीचर है, जब हम पढ़ते थे ना तो उन्होंने बोला था ये इक्वेशन वह टेंथ तक है, उसके बाद नहीं आएगी। इलेवंथ में भी आई, ट्वेल्थ में भी आ गई है, ये ग्रेजुएशन में भी आई पड़ी है ये। अब यहाँ भी मिल गई है तो पढ़ो बेटे, यहाँ पे भी आ गई। पहले फटाफट से हेडिंग डालो जल्दी से, क्या हेडिंग डालो जल्दी से, वो हेडिंग डालो जो मुझे पता है तुम नहीं करोगे। होमवर्क देखो, होमवर्क में है हमारे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको नहीं कराया, 6 नहीं कराया, 8 करा दिया, 8 करा दिया मैंने। ओके अब तो ये भी नहीं याद है कौन सा नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, 3 आपके लिए होमवर्क है, 2 आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, बचा ही क्या इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं अभी करा रहा हूं बेटे, आओ जरा मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 सर 5 है। अच्छा सॉरी मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर मैं 5 करा रहा हूं, ठीक है ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखो बेटे, आंसर नंबर 5। लो जी, तो अभी बेटे बिना ज्यादा प्रेजेंटेशन करे मैं सीधा करता हूं अब काम की बात। मैं सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनवा रहा हूँ यहाँ। क्या बनवा रहा हूँ? कंसाइनमेंट। ये क्वेश्चन जो स्पेशल क्वेश्चन है बेटे, ये इक्वेशन की वजह से, कमीशन में इक्वेशन बन रही है यहाँ। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, क्या बनाना है जी? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाना है बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। आज के बाद तुम ये नहीं कहोगे सर थोड़ा सा और तेज चलो, सर मेरा नेट स्लो है इसलिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ओके मतलब पहले से पहले डर लग रहा है बच्चे को, बहाना दे कहीं बात है। चलो गुड, लो बेटे वर्किंग नोट बनाओ फटाफट से, पहले इसका बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1 जल्दी से बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ो बेटे, क्वेश्चन कहता है एक्स है जी कलकत्ता का, ध्यान से सुनना, एक्स है कलकत्ता का, उसने सेंड किया 15 जनवरी 2021 को। बेटे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में मिले सबसे पहले एक काम आपको करना है, डेट्स के चारों तरफ जितनी भी डेट मिले क्वेश्चन में, जितनी भी डेट मिले उसको ऐसे ही ब्लॉक के अंदर डाल देना है। किस तरह के ब्लॉक के अंदर बेटे? इस तरह के ब्लॉक के अंदर जितनी भी डेट मिले क्वेश्चन में, जैसे एक डेट की बात कही, फिर दूसरी डेट आई, फिर उसको ब्लॉक में डाल दिया, फिर तीसरी डेट आई ब्लॉक डाल दिया, इसका मतलब पता है क्या? आपके लिए बड़ी आसानी होगी, यानी कि इतनी डेट को ट्रांजेक्शन हुई बस, मतलब इतनी ट्रांजेक्शन हमारी है, हमारे से कोई मिस नहीं होगा। ये एक तरीका होता है काम को करने का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वर्ड जो थ्योरी का था ना वो फेल हो गया, क्यों? बच्चों ने थ्योरी सोच करके उसको इग्नोर कर दिया, जबकि यही वर्ड हर जगह काम आता है। सबसे पहले ब्लॉक बनाओ क्वेश्चन में, देखो सबसे पहली बात 15 जनवरी क्या हुआ जी, उसने गुड सेंड किया, 500 बेबी साइकिल उसने सेंड किए, कितने के? 100 रुपए के। तो मैं फटाफट से ग्राफ बनाता चलता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ ग्राफ बना सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे को एग्जाम में करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं कंसाइनमेंट छोड़ूंगा या फिर मैं कंसाइनमेंट करूंगा और करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, पढ़ते ही फटाफट मैं वहां पर चालू हो जाऊंगा ग्राफ बनाने, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी मैं 4-5 बार पढ़ता हूँ। फायदा क्या होता है? करना सिर्फ एक बार होता है, इसलिए बढ़िया क्या है, पढ़ो तुरंत ग्राफ पे नोट करो, या तो हाँ होगा या ना होगा, तुरंत आओ जी।
और बिना लिखे हाँ या ना मत करना बेटे। 500 क्वांटिटी है जो भेजी, जिनकी कॉस्ट है 1000 के सॉरी 100 के हिसाब से, अमाउंट कितनी होगी 50,000। नंबर टू, कंसाइनर ने कोई खर्चे किए, एक्सपेंसेस ऑफ 700 रुपीज वर मेट बाय कंसाइनर। लो बेटे 700 रुपए कंसाइनर ने खर्चे कर। नंबर थ्री, वाई ऑफ मुंबई, उसने स्पेंड किए 1500 रुपए क्लियरेंस के लिए, सेलिंग एक्सपेंस, रास्ते में कोई नॉर्मल एब्नॉर्मल्स तो नहीं, वाई ने बेच दिया, अच्छा फिर बाद में एक और वाई किसी का अलग रेट पे बेची, फिर वाई को कमीशन चाहिए, कह रहा इतना इतना इतना, ओके डन 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 डन, काम ही खत्म हो गया। तो बड़े मजे की बात है जी, जितनी क्वांटिटी चली उतनी पहुंची, पर जरा इसका टोटल तो लगा लो बेटे, 50,700 रुपए की कॉस्ट है टोटल, जो ट्रक में लद के चली, पहुंच कितनी गई क्वांटिटी, वहां पर क्वांटिटी भी पूरी की पूरी पहुंच गई है बेटा। क्वांटिटी हमारी पहुंच गई है पूरी की पूरी 500 बेटा। वहां पर पहुंच करके कंसाइनी ने खर्चे किए, कितने के खर्चे किए कंसाइनी ने, क्वेश्चन ने बताया 1500 रुपए सेलिंग के, क्लियरिंग के, सॉरी क्लियरिंग के। नेक्स्ट बेटे ध्यान से, जो ये कॉस्ट घुसी इसके साथ में क्वांटिटी के साथ में कितने रुपए की कॉस्ट अंदर गई, कॉस्ट मैं कह सकता हूं 50,700 रुपए की कॉस्ट का पूरा पूरा माल अंदर गया, कोई एब्नॉर्मल लॉस नहीं था जी। इसमें से बेटे सेल कर दी उन्होंने क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल कर दी जी, सोल्ड। लो बेटा जी सोल्ड, इन्होंने बेच दी अलग अलग तरह की क्वांटिटियां, और फिर यहां पर बच गया जी क्या, क्लोजिंग स्टॉक, दो ही तो बात हुई, क्लोजिंग स्टॉक दो ही तो बात हुई। इससे आगे मैं चाहता हूं, इससे आगे यहाँ पे क्वेश्चन का मेन पार्ट है, वहां पर आप करें, मैं 2 मिनट के लिए मैं पूरी स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ताकि आप इसको पूरी तरह से करें, इसके बाद में इसके बाद वाला पार्ट बेटे आप लोग खुद करें। पहले बेटा बेटा वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी, आओ जरा जल्दी से वीडियो ऑन करेंगे।
देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 300 साइकिलें हमने बेच दी 160 के हिसाब से, कितनी साइकिलें थी 500, 500 में से 300 तो बेची 160 पर। आइए बेटे कितनी साइकिलें थी 500, उसमें से 300 तो बेच दी 160 के हिसाब से, किसके हिसाब से 160 के हिसाब से। बेटा वीडियो ऑन करो बाकी बच्चे आर्यन के अलावा। अच्छा और दूसरी साइकिल और बेच दी 150 साइकिलें, वो बेच दी बेटे 172 के हिसाब से, ये कितना हो गया 48,000, ये हो गया 25,800। टोटल मिलाकर के 450 साइकिलें हैं जो बेचती थी। जो बेटे क्लोजिंग स्टॉक में है वो कितनी साइकिलें हैं, वो है क्वांटिटी कितनी 50 साइकिलें यहां पर बच गई। इसी को क्वांटिटीज की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, आइए तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। आओ बेटा अब 50 क्वांटिटी की जरा वैल्यू निकालना स्टॉक की, स्टॉक 16899। आइए वेरी गुड करते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, देखिए सबसे पहली बात इसके अंदर किस चीज का रोल था, ये जो कितने थे इसमें, इसके खर्चे कितने थे 700 और ठीक है जी 50,700 की हमारी कोस्ट थी, 50,700 की कोस्ट थी। नंबर एक तो ये है, एक मिनट ये बंद हो गया, खुल गया। नंबर एक कंसाइनर वाले खर्चे 50,700, ये है कौन कंसाइनर के खर्चे, 50,700 खर्चे हैं 500 क्वांटिटी पर, तो भाई इन 50 क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितने होंगे 5070। नंबर एक तो ये, फिर बेटे कंसाइनी के खर्चे वो भी यहां पर थे, 1500 रुपए खर्चे हुए, कितने पर खर्चे हुए बेटे, कितनी क्वांटिटी एंट्री की थी क्लियरिंग के खर्चे 500 क्वांटिटी, इसमें से 50 क्वांटिटी वाले कितने खर्चे हैं जी 150। वेरी गुड, तो ये हो गए 150, 5,220 रुपए का हमारा टोटल यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है। अगली बात अब चलते हैं बेटे सेल्स पर, सेल्स हमारी टोटल कितने की है, टोटल 73,800 अब आते हैं आगे बेटे। अब यहां पर जो कमीशन है, कमीशन के लिए देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले इतनी बात कर लें क्या कमीशन के अलावा, बाकी सारी बात निपटा लें अकाउंट में। लो जी शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000, फिर टू बैंक इसने जो खर्चे किए कितने की बेटे 700, फिर टू कंसाइनी, कंसाइनी का जो भी नाम है यहां पर कंसाइनी ने खर्चे किए कितने 1500, ठीक है जी। और फिर बेटा यहाँ पे सेल्स हुई तो कंसाइनी के पास पैसा है सेल वाला, ये है जी 73,000, कितना था 800। फिर यहां पर बेटे क्लोजिंग स्टॉक 5,220 जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किए। अब यहां पर एक चीज रह रही है बस, कंसाइनी का कमीशन,
और बाकी बच जाएगा हमारे यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट। इसका तो मैं टोटल करने वाला, सबसे मुश्किल काम तो ये, इसका टोटल करना मैं कर देता हूँ। अब तुम निकालो बाकी का, कितना है कमीशन और कितना है प्रॉफिट, आसान काम तुम करो। देखे कौन सा बच्चा करेगा, अब देखते हैं जी। क्वेश्चन पे वर्डिंग को ध्यान देना, मैं एक बार वर्ड पढ़ा देता हूं फिर देखते हैं कौन सा बच्चा इसको कर पाएगा। Why was entitled to a commission? कितना? एक तो मिलेगा जी 25 rupees पर बाइसिकल सोल्ड। कितनी साइकिल बेची बताओ? 11,250 मिल गया। 450 साइकिल बेची इंटू 25, एक तो ये अमाउंट फाइनल है सबसे पहली बात, वेरी गुड। 11,250 फिर प्लस, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा पहले, देखे कौन बच्चा निकाल सकता है। प्लस साथ में ये भी मिलेगा, और क्या मिलेगा जी? मिलेगा ये कि प्लस 1/4 मिलेगा। अच्छा 1/4 किसका मिलेगा जी? कह रहे 1/4 मिलेगा, एक तो मिलेगा 11,250 प्लस मिलेगा 1/4 किसका? ऑफ द अमाउंट, उस अमाउंट का, वो वाली अमाउंट, हाँ वही वाली, वो कौन सी? बाय विच द ग्रोस सेल्स प्रोसीड। बेटे ग्रोस सेल्स प्रोसीड कितनी है? 73,800 टोटल है ग्रोस सेल्स। अगर उसमें से घटा दें टोटल कमीशन, क्या क्या घटा दें? टोटल कमीशन, और साथ में घटा दें 125 rupees पर बाइसिकल सोल्ड। समझ गए आप मेरी बात को? नहीं समझे मेरी बात को? क्वेश्चन है देखो क्या था, इक्वेशन आ गई कैसे, ये भी तो देखो ना, क्वेश्चन में इक्वेशन ऐसी आई है। उन्होंने कहा टोटल कमीशन पे है, पर टोटल कमीशन तो है ही नहीं हमारे पास। वेरी गुड, और टोटल कमीशन घटाने के बाद बचे हुए अमाउंट में से 125 rupees पर बाइसिकल और घटा दो, और जो बचा 6,300 उसका 1/4। समझ गए ना? आइए ये बेटा अभी ना फाइनल नहीं है कमीशन, तो इसलिए हम नहीं कह सकते। आइए यहाँ पर क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगी। वर्किंग नोट बनाओ जल्दी से, वर्किंग नोट नंबर 2 जल्दी बनाओ बेटे, वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेट करो जी, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो बेटे। सेल्स कमीशन क्या लिखोगे बेटा? सेल्स कमीशन, लिखो बेटे। लेट्स एज्यूम कि भाई टोटल कमीशन जो है वो कितना है, इज इक्वल टू एक्स। मान लिया टोटल कमीशन एक्स है, भाई हमारी इक्वेशन क्या बनी? हमारी इक्वेशन बनी एक्स इज इक्वल टू एक्स, कैसे आएगा जी? एक तो उसमें 11,250 जुड़ेगा प्लस साथ में जुड़ेगा 1/4 और 1/4 किसका जुड़ेगा उसको मैं लिख रहा हूं बेटे, कहां पर? ब्रैकेट, कहां पे लिख रहा हूं मैं? ब्रैकेट में 1/4 ऑफ एक्स। 1/4 ऑफ एक्स नहीं बेटा, 1/4 ऑफ टोटल सेल्स प्रोसीड। देखो क्या लिखा है यहां पे, 1/4 ऑफ द अमाउंट, ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी, और वो अमाउंट कौन से वाले अमाउंट है जी? वो अमाउंट है बाय विच द ग्रोस सेल्स प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। बेटे ग्रोस सेल्स प्रोसीड तो हमें पता है ना 73,800 की है, 73,800 में से घटा दो, क्या घटा दो? 73,800 में से घटा दो, क्या घटा दो? एक्स घटा दो जी, क्या घटा दो बेटे? एक्स घटा दो, एक और चीज घटा दो, क्या घटा दो? जो ये अमाउंट है उसमें से एक और चीज घटा दो बेटे। मैं इसको ऐसा करूं, इसको मैं बड़े वाला ब्रैकेट बना दूं, क्योंकि दो ब्रैकेट बन रहे हैं यहां पर, क्या बन रहे हैं? एक तो बेटे मझले वाला ब्रैकेट और एक यहां पे बन रहा है छोटे वाला ब्रैकेट, इसको मझला कोष्ठक बोलते थे हम लोग। हाँ जी, छोटे वाला ब्रैकेट क्या कहता है जी?
125 रुपए पर बाइसिकल सोल्ड। बेटे कितनी साइकिलें बेची बोलो, कौन बताएगा जी? 450। अब ये जो अमाउंट आई इसको भी कटा देंगे, है ना? 250। हाँ, और तब जाके हमारी बात पूरी इक्वेशन वाली बनेगी। तो मैं एक काम करता हूँ जी, मैं आपको ये थोड़ा सा सही करके दिखाता हूँ। लो जी, एक बार दोबारा से सारे बच्चे क्या करेंगे मेरे साथ में, एक बार इस इक्वेशन को दोबारा से समझेंगे कैसे फ्रेम हुई। क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा? कि हम कमीशन लेंगे, किस तरह से बोला? एक तो मिलेगा 25 रुपए पर बाइसिकल सोल्ड मिलेगा, नंबर एक बात, प्लस 1/4 मिलेगा। तो 25 रुपए पर बाइसिकल सोल्ड का मतलब क्या है बेटे? ये कैसे आया? ये 25 रुपए पर बाइसिकल सोल्ड कैसे आया जी? ये इधर ये जो आया ये कैसे आया? 25 रुपए इंटू कितनी साइकिलें बेची बेटे? 450। करना जरा, 11250। ये बेटे ऐसे आया, यानी कि 11250 प्लस 1/4 किसका? 73800 में से घटा दो टोटल कमीशन और घटा दो 125 रुपए पर बाइसिकल सोल्ड। क्या कह रहे हो? सिस्सी सोल्व कर रही है इसको, सिस्सी और मैक सोल्व कर रही है, जल्दी बताओ जी। 0.5 में आ सकता, जल्दी बताओ बेटा आंसर। सर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, पक्का? 0.5। क्या आ रहा है आंसर? निकाल रहा हूँ, ये देखो नालायक बोल तो ऐसे ऐसे अभी आ गया हो, कह रहा पॉइंट में आ जाए तो निकाल दो, कह रहा भी निकाल रहे। बोलो सिस्सी, ए सिस्सी भी तो बोली थी नालायक, ए शैतान जल्दी बता। ये दोनों की तिकड़मबाजी चल रही है, महक की और सर कर रही हूं। अच्छा, और महक सर कर रही हूं मैं भी। हां वाह वाह, मैंने गलती करी, दोबारा से पूछ लिया, एक से पूछ लेना था। बोलो स्वयं, क्या आंसर आया? अभी नहीं निकला। ओके सर, मेरा आ रहा 12510। एक बच्चे का आया 12510। आर्यन मेरा आ रहा 20850। यह है आर्यन का आंसर, यह है स्वयं का आंसर। क्या है बेटा? वन क्या बोला? 20850। सर मेरा लिखना 12510, 12510 तक। अच्छा, ये मेरा सेम है 12510। ओके हाँ बेटा, सिस्टी मेरा भी, महक कौन सा है बेटा? यही वाला 12510। महक का तो ठीक है, मैं सिस्टी का नाम भी लिख देता हूँ। बोलो बेटा 12510। मैं तो पहले कह रहा हूँ, ये अच्छा एक एक मजाक करने का, एक शैतानी करने का एक अच्छा एक बहाना मिल गया हमें इस बैच में। दोनों बच्चों की जबरदस्ती हम की टाइम खिंचाई करते रहते हैं शैतानी उसमें। नाराज मत होना बेटा, आप ही को हंसाने का थोड़ा सा एक रिदम हमने छेड़ लिया यहाँ पे। हाँ जी स्वयं, अच्छा स्वयं ने बता दिया था, और कौन रह गया? अंटू ने नहीं बताया, ये छिपा बैठा है अंटू और वरुण। वाह वाह, जल्दी बोलो। क्या कह रहे हो? खाना नहीं खाया अभी? जल्दी बोलो ना, आवाज नहीं आ रही है। अंटू और वरुण, अरे सॉल्व कर दो, मेरे से नहीं निकल रही है क्वेश्चन। 12510, मेरी मैथ वैसे बहुत वीक है। ओके आइए जी, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं बेटे। 12510 इज करेक्ट आंसर। आइए अब मेरे जैसों के लिए मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि कोई बच्चा मेरे जैसे हो, हालांकि मेरे मैथ में 82% थे, सिर्फ 4 महीने में पढ़ा था, पर उसके बाद मुझे फिर मैथ छोड़ना पड़ा किसी वजह से। आइए तो हम लोग चल रहे हैं बेटे मैथमेटिक्स की छोटी सी इक्वेशन सोल्व करते हैं। बेटे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, x इज इक्वल टू 11250 प्लस, मैं 1/4 को 0.25 बोल दूं, 0.25 है ना, आ गया, वेरी गुड। फिर भी मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा हो जो ना पूछ पा रहा तो यहां पे देखिए,
0.25 करेंगे इसका क्या है ये 73,800 माइनस एक्स माइनस सब बच्चे मुझे कराएंगे कहीं पे गलती करूं तो बता देना 56250 धीरे धीरे चलना जल्दबाजी मत करना आओ जी करना जरा 17,250 73,800 - 56,250 ये आ गया 17,250 माइनस एक्स माइनस एक्स अब आगे बेटे धीरे धीरे आराम से जल्दबाजी मत करना ये मैथ है बेटे जरा सा इधर को सरके तो आंसर ही सरक जाएगा तो हमने क्या किया 0.25 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया सबसे पहले ये कितना आया बताओ ये भी प्लस का है अंदर वाला भी प्लस का है तो साइन हमारा प्लस का ही रहेगा 4387.50 लेकिन माइनस के एक्स के साथ जब आप 0.25 प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता है माइनस 0.25x अब ये माइनस का इधर की साइड है इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा बेटे धीरे धीरे करेंगे धीरे धीरे कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं 11250 प्लस 4387.50 आइए बेटे मैं कह सकता हूँ 1.25x हो गया यहाँ पर इधर क्या हो गया जी ये हो गया जी 15637.50 पॉइंट से पॉइंट काट दो आ जाओ बेटा ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ी हो जाए इसलिए बेटे आराम आराम से चलना x इज इक्वल टू व्हाट 15637.50 डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 बेटा ये कितना आ गया 12510 x इज इक्वल टू 12510 यानी कि टोटल कमीशन हमारा कितना है 12510 तो बेटे हम गए वापस से अपने पेज पे कंसाइनमेंट अकाउंट पे 12510 बेटा नेट प्रॉफिट कितना है जल्दी बोलो 14310 12310 14310 अच्छा जी रुको 14310 14310 कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई मार से पैतालीस सौ की क्या अमाउंट आ रही है इसमें देखो अच्छा कोई नहीं हमने ना क्वेश्चन चेंज किया था ना तो हमने 4500 हटा दिया था यहाँ से ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंज मिल सके क्वेश्चन का ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है ठीक है जी तो ये जो सॉल्यूशन दे रखा है ये अलग सॉल्यूशन दे रखा है ये ओरिजिनल क्वेश्चन था हमने आपको इसको आपके पर्पस से कन्वर्ट किया होता है ऐसा नहीं कि कहीं से आंसर कॉपी कॉपी पेस्ट चल रहे होते आपका असाइनमेंट खुद अपनी मेहनत से वर्किंग नोट एक बार दिखाई क्लोजिंग स्टॉक का मैं दिखाता हूं एक मिनट रुको मैं दिखाता हूं वर्किंग नोट सेल्स कमीशन इससे पहले ये वाला आपको ठीक है हो गया एक सेकंड हाँ ठीक ठीक है बच्चों तो रिकॉर्डेड क्लास के हिसाब से तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ ओके जी क्लास हमारी यहाँ पर ओवर होती है